न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। वैसे तो मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था कि कल हमारी जो संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसी दिन विपक्षी पार्टी द्वारा पहलवानों का आयोजन किया गया है, क्योंकि पहले से ही 28 तारीख का दिन निर्धारित था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी संसद नई संसद का उद्घाटन करेंगे। और विपक्षी पार्टियों ने खासकर कांग्रेस ने पहलवानों को आगे करके इन्हें कंधे बंदूक करके चलाई गई है। और हम सबको पता है कि प्रोटोकॉल अलग होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति जी का, तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे एक महिला महापंचायत का आयोजन संसद भवन के सामने जो पॉसिबल ही नहीं था, जितने भी पढ़े लिखे लोग समर्थन को पता है कि वहाँ तक कोई नहीं जा सकता, और पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी। बिना परमिशन के वहाँ तक जाना तो पुलिस तो अपना कार्य करेगी, पर यह है कि और उसके बाद आप देखिए कि 18 दलों ने भी इसका विरोध किया संसद भवन के उद्घाटन का, तो इन्होंने अपना काम करना था, उन्होंने कर दिया कि देश की बदनामी कांग्रेस ने करवा दी पूरी दुनिया में, और वो उसमें सफल रही। पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, फिर मेरा पहलवानों से कहना है कि बड़ी मेहनत करो, पुलिस ने एफ आई दर्ज कर चुकी है और वो जो कोई कानून कार्रवाई चल रही है, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। लेकिन डेली कार्रवाई के लिए कितना टाइम हो गया है, लगातार कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, पर कौन देखिए वो तो पुलिस बताएगी। मैं तो वो हमने कमेटी के पास जो हमारी कमेटी थी और साइड कमेटी थी वो रिपोर्ट सरकार से हो, तो एक चीज जो कार्रवाई चली वो पुलिस बता पाएगी, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, मेरे को पता ही। कई अच्छी बात है कि धरना लगा रही हैं वो लड़कियां जो इंटरनेशनल मेडल लेकर आती हैं। देखिए धरना कोई लगाए पर हमें सब कुछ सोच समझ करना चाहिए। कल संसद भवन का उद्घाटन था, वहां तक आपको ही पता है कि आप नहीं जा सकते, हम भी रहते बिना परमिशन के, जिसके पास आई कार्ड होता है परमिशन तभी वो जा सकता है, और पुलिस ने परमिशन भी नहीं, इसके बाद भी वहां तक जाना 244 लगा दी गई, क्योंकि वहां पे जाना तो पहलवानों को पहला फुसला के वहां तक पहुंचा रहा है। उनको आश्वासन दिया कि हम आपके पीछे हम खड़े हैं, और जब जरूरत पड़े मिले नहीं, तो मेरा मानना है कि एक साजिश के तहत पहलवानों को फंसाया गया है वहां से, क्योंकि 28 तारीख को कोई तुक नहीं पड़ता कि वहां तक जाने का और ना जा सकते थे। आपको क्या लगता है किसने ये साजिश की है? ये देखिए इसमें तो कांग्रेस का सब, क्योंकि सब नेतृत्व जा रहे हैं और कल कोई नहीं मिला, बस वो पहलवान थे उनको आगे बढ़ा गए और आप पीछे गए, तो कांग्रेस का पूरा इसमें कांग्रेस का आता है। पहलवान जो धरना दे रहे हैं आपको क्या लगता है इनकी बात में कितनी सच्चाई? देखिए वो तो पीछे इल्जाम लगा है तो उसके बारे में मैं कुछ सबूत नहीं कर सकता, और सच मुझ की मैं नहीं बता, क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर रहा हूँ जोर साइड कमेटी की, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, पर मेरा यही है कि पुलिस अपना काम कर रही है, दो चुकी है, और जिसने कुछ गलत किया सजा मिल जाएगी। योगेश्वर जी आखिरकार क्या दिक्कत है भूषण सर जी को मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा है? देखिए वो पुलिस बताएगी क्यों नहीं किया जा रहा है, जो उसका कानून का दायरा है उसमें क्या है, क्योंकि कानून की तो किताब में जो चीजें लिखी होती है वो पुलिस अपना काम कर रही है, अगर गिरफ्तार करनी थी तो गिरफ्तार पुलिस ने।